हेलो दोस्तों, आज फिर एक और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर दोबारा आया हूँ बजाज पे आपको सरबाणी बजाज चंद्रपुर में आया हूँ मैं, जो कि नागपुर रोड पे है, आपके मारुति सुजुकी के बराबर वाला शोरूम है, साइड वाला लेफ्ट में शोरूम पड़ता है बजाज। ये आप रास्ता देख रहे हैं जो चंद्रपुर सिटी से नागपुर को जाता है, मेन हाईवे पे राइट हैंड पे पड़ता है, मारुति सुजुकी के साइड में लेफ्ट हैंड पे पड़ता है बजाज, सरबाणी बजाज पे मैं आया हूँ। आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ वो बाइक का नाम है बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट का ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं। जब तक सबसे पहले आप पूरा बाइक को ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा बाइक का व्यू है, मैं चारों तरफ से आपको बाइक दिखा देता हूँ, पहले आप बाइक का व्यू देखिए। हाँ तो दोस्तों, आपने भी पूरा बाइक का व्यू देख लिया है। इस पूरा व्यू देखने के बाद अब एक एक करके मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करने वाला हूँ। इसमें सामने हेडलाइट की बात करेंगे तो इसमें सिंपल हैलोजन हेडलाइट, नीचे एक वाइट DRL दिया गया, सिंपल आपको इंडिकेटर मिलने वाले रबड़ के साथ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको आगे का दिया गया, साथ में इसमें एक सिंगल हॉर्न आता है, 5-speed का है, इसमें गेयर बॉक्स है, DTSI वाला इंजन इसमें दिया गया है। आगे की टायर की बात करेंगे तो इसमें आपको 1917 17 इंच का आगे का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, 280 mm का इसमें आपको आगे का जो डिस्क ब्रेक ABS के साथ ये बाइक आती है, 280 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया, ट्यूबलेस टायर, डायमंड कट अलॉय व्हील्स दोनों के दोनों, 15 इंच रियर टायर है, इसमें ड्रम ब्रेक के साथ पीछे का टायर दिया गया है। अब हम इसकी साइड की बात करने वाले हैं, साइड के जो इसमें साइड स्टैंड वाला सेंसर दिया गया है, साइड में से देखने में कुछ ऐसे नज़र आती है। बजाज DTSI पावर इंजन के साथ ये बाइक आती है। इंजन की मैं बात करने वाला हूँ तो ये सिंगल सिलेंडर 4.79 BHP 160 cc पावर, 15 PS 13.79 Nm टॉर्क, एयर कूल्ड इंजन के साथ ये इंजन इसका आता है। कुछ साइड में से देखने में बाइक इस तरह की नज़र आती है, आप देख सकते हैं इसमें ऐसे ओपन चेन दी गई है, पीछे का टायर 15 इंच का और पीछे में इसमें ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, पीछे की जो लाइट दी गई है वो भी हैलोजन, पीछे के इंडिकेटर भी हैलोजन दिए गए हैं, और सिंगल एडजस्ट कुछ इस तरह का इसका दिया गया है। 160 स्ट्रीट की आप यहाँ पर इसकी बैजिंग देख सकते हैं। अब हम दोस्तों इसकी सीट की बात करने वाले हैं, सीट कुछ इस प्रकार की इसकी दी गई है, पीछे पिलियन के लिए पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल दिया गया है जो आप ये देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की इसकी सीट दी। जो इस बाइक का फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का है, जो कि आपकी एवरेज की बात करें तो 47.2 किलोमीटर प्रति लीटर की इसमें एवरेज आती है। एक बार इसका फ्यूल टैंक फुल होने के बाद आप 585 किलोमीटर तक जा सकते हैं। टोटल ओवरऑल बाइक का बॉडी वेट जो दिया गया वो 156 kg है। इसकी जो सीट हाइट दी गई है इसको काफ़ी लो हाइट के लोग भी इसको आराम से आसानी से चला सकते हैं। 737 mm का सीट हाइट दिया गया, 5-speed गियर बॉक्स के साथ, मैक्स स्पीड जो इस बाइक की दी गई है 105 की स्पीड दी गई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बाइक का इग्निशन यहाँ इंजन के पास दिया गया है जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से इसका इंजन जो इसकी की है वो यहाँ से ऑन होती है वाले हैं। कुछ इस तरह का इसका बाइक का कंसोल दिया गया, 140 की इसमें स्पीड के साथ ये कंसोल दिया गया, और ये आप टैंक के ऊपर देख रहे हैं यहीं पे ऑयल का मीटर इसका टैंक के ऊपर दिया गया है। साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको हेडलाइट पास के लिए, यहाँ हेडलाइट हाई लो बीम के लिए, इंडिकेटर्स के लिए, यहीं पे आपको हॉर्न के लिए, इंजन ऑन ऑफ कट के लिए, साथ में हेडलाइट और साथ में सेल्फ लगाने के लिए दिया गया। कुछ इस प्रकार के बाइक में साइड ग्लासेस दिए गए हैं। अभी जो मीटर की बात करने वाले तो इसमें लो फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है, लो बैटरी इंडिकेटर दिया गया है, और सभी तरह के इसके अंदर आपको इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इस बाइक में आप देख रहे तो यहाँ पे भी न्यूट्रल और इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब ओवरऑल दोस्तों आपने बाइक को देख लिया है, जितनी भी हो सकती है एक एक करके मैंने इसकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कोई चीज़ रह गई है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी, चैनल का आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस बाइक की प्राइस की बात करने वाले हैं, तो बाइक का जो प्राइस है
वो एक्स शोरूम प्राइस है 1,12,246 रुपये। और जो आप इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, चंद्रपुर सिटी में हूँ मैं, 1,37,485 इसका ऑन रोड प्राइस है, जिसमें आपको 5 ईयर का इंश्योरेंस इंक्लूड है, 1 ईयर का आपको फुल इंश्योरेंस मिलेगा, 4 ईयर के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलने वाला है। वारंटी की बात करें तो बाइक की 3 ईयर की वारंटी आती है, 1 ईयर की 3 ईयर की इसके इंजन की वारंटी रहती है, 1 ईयर की इसकी बैटरी की वारंटी रहती है। इस बाइक के साथ आपको 3 सर्विस 1 ईयर के लिए फ्री मिलती है। तो आप अगर इस बाइक में इंटरेस्टेड है तो आप सरबानी बजाज चंद्रपुर सिटी मेन नागपुर रोड राइट हैंड पे जो कि मारुति सुजुकी का इनका शोरूम है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सरबानी बजाज पे आके आप बाइक में अगर आप बाइक में इंटरेस्टेड है तो आप आगे बाइक को चेकआउट कर सकते हैं। इनके पास सभी मॉडल बजाज के अवेलेबल हैं, आपको जो भी बाइक आपको लेनी है, इनके पास प्लेटिना, पल्सर, एवेंजर, पल्सर 150 सभी बाइक्स इनके पास अवेलेबल है। आपको अगर कोई भी बाइक में आप इंटरेस्टेड है बजाज में तो आप आके इनके शोरूम पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।